कह रहे हैं कि ये जो इतनी ऊट पटांग किस्म के एतराजात ये करते हैं, जाहिर है सहाबा को, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा भी आता था जब इंसान बहुत बेहूदगी पे उतरता है और उल्टे उल्टे एतराजात करके जिद और हठधर्मी से बात करता है, तो फिर अहले इस्लाम का गुस्सा आना ये बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन कुरान अहले इस्लाम को हुक्म दे रहा है कि तुमने गुस्सा नहीं करना, तुमने अपने कलाम में शाइस्तगी पैदा करनी है। इसी मजमून को यहां से शुरू किया जा रहा है। वखुल इबादी, ए नबी मेरे बंदों से कह दीजिए, यकूलती ही आहसन, वो बात कहें जो बहुत बेहतरीन हो, यानी अखलाकी एतबार से बहुत बेहतरीन हो, जिसमें गुस्सा ना हो, जिसमें तंज का जवाब तंज से ना हो, अच्छे अंदाज से आप इनको जवाब दें। क्यों? इन शैतान यनज़ु बैनहुम, शैतान लोगों के दरमियान नज़ह करता है यानी फसाद डालता है। होगा ये कि बाज़ दफ़ा आपने भी उसको जवाब दे दिया उसी अंदाज में, तो उसको प्रोपेगंडा करने का मौका मिल जाएगा, इससे नफरतें कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ेंगी। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कोई मुखलिस आदमी आ जाता है, वो वाकई समझना चाहता है, उसके उल्टे एतराज़ का आपने गलत तरीके से जवाब दिया, इससे भी नफरत का मौका मिल जाता है। तो हत्तल इम्कान कोशिश की जाए कि अपने अखलाक में अपना जो मैयार है ना, उस पर समझौता ना किया जाए। चूँकि ये मक्का में आयतें नाजिल हुई हैं ना, तो वहाँ तो कुव्वत ताकत थी नहीं, तो कुरान बार बार सब्र की तलकीन कर रहा है और यानी अंदाज को अच्छे से अच्छा बनाने की का हुक्म दे रहा है। यही हुक्म आज भी है, आज भी दीनदार लोग मगलूब हैं, कमज़ोर हैं। आप अगर सख्ती करेंगे तो इसका आप ही को नुकसान होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें इन आयतों से ये सबक सीखना चाहिए कि हमारा जिन लोगों से वास्ता है वो मुशरिकीन मक्का जैसे हठधर्म और ज़िद्दी नहीं है, और ना हम पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह इतने सीधे रास्ते पर हैं जैसे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा थे। लेकिन आज हम देख लें कि हमारा एटीट्यूड क्या होता है, ज़रा सी बात पर हम कैसे एकदम बौखला जाते हैं। तो ठीक है, वो इंसान की एक नेचर है, उसको गुस्सा आता है, एक हद तक बर्दाश्त करता है, लेकिन तरगीबी हुक्म कुरान का यही है कि शैतान फसाद फैलाएगा तुम्हारे तुम्हारे गुस्सा करने से या तुम्हारे उनको उसी स्टाइल में जवाब देने से। लिहाजा कोशिश करो ऐसे अंदाज में बात करो, यकूलती ही आसन, जो सबसे बेहतरीन अंदाज हो। इन शैतान का लिल इंसानी अदू व मुबीना, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। देखें, यह मतलब नहीं है कि इस्लाम में गुस्सा करना जायज़ ही नहीं है या पनिशमेंट और सज़ा ही नहीं है। जहां सज़ा का या गुस्से का फ़ायदा हो वहां तो गुस्सा ही जारी करना अफजल है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सहाबा की सीरत में हमें इसकी मिसालें मिलती हैं। ये वहाँ का मौका है जहाँ गुस्सा जारी करने से फ़ायदा के बजाय नुकसान का ख़तरा हो। तो ये मौका, क्योंकि मक्की आयतें हैं ना, तो इसलिए कुरान उनको तरगीब दे रहा है। जहां आप समझते हैं कि सख्ती से बात करने से फ़ायदा होगा या सख्ती करने से फ़ायदा होगा, तो फिर वहां तो सख्ती करना वाजिब है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगयिरहु बियदी फइल्लम यस्ततिअ फबिलिसानिही, जो गुनाह को हाथ से रोकने की ताकत रखता हो ना, तो उसे चाहिए, उस पर लाजिम है कि हाथ से रोके, और जो ज़बान से रोकने की ताकत रखता हो ज़बान से रोके। ये वहाँ की बात है जहाँ गुस्सा करने का फ़ायदा नहीं है, तो वहाँ पर बर्दाश्त वाली पॉलिसी इख्तियार की जाए, क्योंकि शैतान जो है ना वो क्या करेगा, लड़ाई डलवा के नफ़रतों में कमी के बजाय इजाफे का ज़रिया बनेगा, इससे फिर लोग दीन से और दूर होंगे। रब्बुकुम आलमु बिकुम, आगे फिर एक सवाल होता है कि अल्लाह अगर हम बर्दाश्त करें मुशरिकीन के इंतानों को और हम अखलाक से जवाब दें, तो हमें तो फिर ये लग ही नहीं रहा कि ये लोग इस्लाम कबूल करेंगे, क्योंकि ये तो ज़िद इनकी बढ़ती चली जा रही है। तो उसका कुरान ने जवाब दिया, तुम्हारे रब को तुम्हारे हालात खूब अच्छी तरह मालूम हैं, वो चाहे तो तुम पे रहम कर सकता है। क्या मतलब? तुम्हें हिदायत दे के, ज़बरदस्ती वो चाहे तो तुम्हें हिदायत पे ला के रहम करे, और चाहे तो गुमराह करके तुम्हें अजाब दे। यानी ये अल्लाह पे छोड़ दो कि कौन काबिल रहम है और कौन काबिल अजाब है। अभी तो तुम्हें बस ये हुक्म दिया जा रहा है कि सब्र करना है और अखलाक से तबलीग करनी है तुमने, अखलाक के दायरे में रह के। और इस फिक्र को छोड़ दो कौन मुसलमान होता है कौन काफिर होता है, ये तुम्हारे रब को तुम्हारे हालात मालूम है, यानी लोगों के हालात मालूम है। जिसको वो चाहेगा हिदायत देना उसको हिदायत देगा, और जिसको चाहेगा गुमराह करना उसे गुमराह करेगा। वमा अरसलना का अलैहिम वकीला, और ए नबी हमने आपको इन पर कारसाज नहीं बनाया, निगमान नहीं बनाया। बस आपको जो हुक्म दिया जा रहा है अखलाक से आप तबलीग करें, आप करते रहें, जिसकी किस्मत में हिदायत होगी मिलेगी, जिसकी किस्मत में जहन्नम होगी वो जहन्नम की आग में जाएगा, और ये अल्लाह को मालूम है किसको जन्नत में लेके जाना है और किसको जहन्नम में।
व रब्बुका अलमु बिमन फिस्समावाति वल अर्ज़। और फिर अल्लाह मुशरिकीन को भी अब बता रहे हैं कि जैसे हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं ना कि हमें पता है किसको हिदायत देनी किसको नहीं देनी, तो इसी तरह हमें यह भी मालूम है कि किसको नबूवत देनी है किसको नबूवत नहीं देनी। क्योंकि मुशरिकीन भी ये कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबी क्यों बना दिया, ये ताइफ का और मक्का के बड़े बड़े सरदारों में से कोई क्यों नहीं बना, कभी कहते थे फरिश्ता क्यों नहीं बना। तो इसका जवाब अल्लाह ने फरमाया व रब्बुका अअलमु बिमन फिस्समावाति वल अर्ज़, तेरा रब खूब जानता है उस तमाम मखलूक को जो भी आसमानों में और ज़मीनों में। वलकद फजलना बाज़न नबीहीन अला बाज़, और उस इल्म की वजह से हमने फजीलत दी है बाज़ पैगम्बरों को बाज़ पर, यानी हमने ये खुद मुंतखब किया है कि किसको पैगम्बर बनाना है, और सिर्फ पैगम्बर बनाना नहीं बल्कि किसको आला दर्जे का पैगम्बर और किसको रुतबे में निस्बतन कम दर्जे का पैगम्बर बनाना है, ये सब फैसले भी हमने किए हैं। और तुम अहले किताब से जाके पूछो, वो तुम्हें बताएंगे कि हमेशा से पैगंबर आते रहे हैं और अल्लाह की मर्ज़ी से आए हैं, इंसानों की सिलेक्शन नहीं है, जमहूरियत की बेस पे नहीं अल्लाह ने इंतखाब किया पैगंबरों का, वो अल्लाह खुद सेलेक्ट करता है जिसको पैगंबर बनाना होता है। और फिर उसमें उन पैगंबरों में भी अल्लाह ने बहुत सारे दर्जात रखे हैं, व आतईना दाऊद ज़बूरा, और हमने दाऊद को ज़बूर दी, यानी दाऊद को भी हमने दीगर पैगंबरों से बड़ा मकाम दिया कि उनको एक आसमानी किताब दी। और अल्लाह ने यहाँ जो दाऊद अलैहिस्सलाम का तस्करा किया ना, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी है, वो तसल्ली है कि जैसे दाऊद को ज़बूर मिली और दाऊद अलैहिस्सलाम की रियासत और खिलाफत कायम हुई, तो अल्लाह इस मौके पे नबी को तसल्ली दे रहा है कि आपको भी कुरान मिल रहा है और अल्लाह आपकी भी हुकूमत को दुनिया में कायम करेगा। और इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत की तरफ भी इशारा है, अल्लाह कहते हैं हमने दाऊद को ज़बूर दी लेकिन बाज़ पैगंबरों को बाज़ पर हमने बहुत फजीलत दी है, और उस फजीलत से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनको यहाँ तसल्ली दी जा रही है कि आप मुशरिकीन के तानों की परवाह ना करें। और ये मज़मून अहादीस में बहुत वजाहत से बयान किया गया है, आपने फरमाया कि अल्लाह ने तमाम पैगंबरों का सरदार मुझे बनाया। अब इस पर बहुत सारी अहादीस हैं लेकिन हम टॉपिक से हट जाएंगे तो इसलिए तफसीर का जो हमारा लेक्चर है वो लंबा हो जाएगा, लिहाजा मैं उस डिटेल में नहीं जाता, आपको बयानात में और उलमा की किताबों में उसके दलाइल मिल जाएंगे। قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ, कुरान फिर तौहीद के दलाइल बयान करता है। हुआ यह था कि कुछ जिन्नात जिनकी मुशरिकीन इबादत किया करते थे और फरिश्ते जिनकी इबादत किया करते थे, तो अल्लाह बता रहे हैं कि फरिश्ते जिनकी तुम इबादत करते हो वो तो खुद अल्लाह की इबादत करते हैं, और बहुत से जिन्नात भी मुसलमान हो गए थे वो भी अल्लाह की इबादत में लग गए थे और इस फिक्र में लग गए थे कि कौन अल्लाह का ज़्यादा क़ुर्ब हासिल करता है। तो अल्लाह कहते हैं जिनको तुम पुकारते हो वो तो खुद अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो जो आबिद है वो माबूद नहीं हो सकता, तो जिनको तुम माबूद बनाते थे जो काम वो कर रहे हैं तुम भी वो काम करो। तो दो दलाइल दिए गए हैं, एक तो ये कि तुम उनको पुकार के देखो कुछ कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा तुम्हें, और दूसरा ये कि तुम ऐसों की इबादत कर रहे हो जो खुद अल्लाह का क़ुर्ब तलाश करने में लगे हुए हैं। قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ, ऐ नबी इनसे कह दीजिए उनको पुकारो जिनके बारे में तुम्हारा दावा है, यानी दावा क्या है कि वो माबूद हैं, मिन दूनिही नहीं अल्लाह के सिवा, फ़ला यमलिकून कशफ़ ज़ुर्री अन्कुम, तुम पुकार के देखो ना वो तुमसे नुकसान को दूर करने के मालिक हैं, वला तहवीला, और ना उस नुकसान को तब्दील कर सकते हैं, उसमें कमी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते वो। उलाइकल लदीना यदऊना, बल्कि ये वो लोग जिनको ये मुशरिकीन पुकारते हैं, यबतगूना इला रब्बिहिमुल वसीला, ये तो अपने रब की तरफ खुद जरिया तलाश कर रहे हैं, वसीला जरिए को कहते हैं, यानी ये जरिया तलाश कर रहे हैं कि किसी जरिए से हम अल्लाह के अय्युहुम अक़रबू, के हम में कौन ज़्यादा है जो अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर ले, इस चीज़ की तलाश में लगे हुए हैं वसीले के ज़रिए। वसीले से मुराद इबादत और अल्लाह का के क़ुर्ब के जो भी ज़रिए होते हैं जो शरीयत के हकाम की पाबंदी। वयरजून रहमतहू, और इनमें दो सिफतें, एक अल्लाह की रहमत की उम्मीद लगा के बैठे हैं, वयखाफून अज़ाबा, और अल्लाह के अजाब से डरते हैं। यही एक अहले ईमान की सिफत है कि उम्मीद और खौफ के दरमियान में उसकी हालत रहती है। इन अज़ाब रब्बी का काना महदूरा, बेशक तेरे रब का अजाब ऐसा है कि वो इस काबिल है कि उससे डरा जाए। वइम मिन क़रियतिन इल्ला नहनु मुहलिकुहा, आगे अल्लाह अहले मक्का को एक धमकी देते हैं कि कोई बस्ती ऐसी नहीं है मगर ये कि हम उसको हलाक करके छोड़ेंगे। यहाँ बस्ती से काफिर की बस्ती मुराद है, क्योंकि खिताब अहले मक्का को हो रहा है ना, और ज़ाहिर अल्लाह अहले इस्लाम की बस्तियों को तो कुरान में जगह जगह कहता है कि हम उनको अजाब नहीं देंगे, कि कोई ऐसी बस्ती नहीं है मगर ये, यानी काफिरों की बस्ती जो नाफरमानों की बस्ती है, मगर ये कि हम उसको हलाक करके छोड़ेंगे। यहाँ हलाकत से मुराद कुदरती हलाकत नहीं बल्कि वो हलाकत जो बतौर अजाब के हो, ये भी क़राइन से हमें पता चल रहा है। क़ब्ल यौमिल क़ियामा, क़ियामत के दिन से पहले, अव मुअज़्ज़िबूहा, या हम उसको शदीद अजाब देंगे, मुराद क़्यामत के दिन,
یعنی جو بھی نافرمان بستیاں ہیں ان میں کوئی بستی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی گرفت سے بچ جائے، یا تو دنیا میں اللہ اسے تباہ کرے گا یا شدید عذاب دے گا، یعنی قیامت کے دن۔ دنیا میں بچ گئے تو آخرت میں عذاب ہوگا۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ بات لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ دی ہے، لہذا ایسا ہو نہیں سکتا کہ نہ دنیا میں عذاب ہو نہ آخرت میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو معجزوں کے مطالبے کرتے ہو مشرکین مکہ، تو ہمیں اس بات سے نہیں روکا کہ ہم معجزے بھیجیں، نشانیاں، جو یہاں نشانیوں سے مراد ہے فرمائشی نشانیاں، جو مشرکین کہتے تھے آپ چشمہ جاری کریں، انگلی سے یوں کریں اور ایسے کریں، جو پٹانگ جس پر کئی بار بات ہو چکی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہمیں کون سی بات روکتی ہے، الا ان کذب بها الاولون، کہ پچھلی امتوں نے بھی نشانیاں مانگی مگر انکار کیا، اس کے نتیجے میں عذاب آئے ان کے اوپر۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ پوری قوم کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ اگر اللہ نے نشانیاں، ان کی فرمائشی نشانیاں دکھانا شروع کر دی تو نتیجہ کیا نکلے گا، کہ یہ پھر بھی انکار کریں گے اور اللہ سب کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو پچھلی امتوں کے حالات دیکھو، تو ان کے حالات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ان کو ان کے فرمائشی معجزے نہیں دکھاتے۔ ہاں کبھی کبھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے تو دکھا بھی دیتے ہیں۔ پھر اللہ اس ایک مثال دے رہے ہیں، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، دیکھو ہم نے قوم ثمود کو اونٹنی دی تھی نا، مُبْصِرَةً، کیسی بصیرت کی چیز تھی، اس کو دیکھ کر ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن ہوا کیا، فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے ظلم کیا، تو نتیجہ کیا نکلا، ہلاک کر دیا اللہ نے، حالانکہ اس سے پہلے ہلاک نہیں کیا، اس سے پہلے ان کو آزمائش کا موقع دیا، لیکن جب اتنا بڑا معجزہ دکھا دیا تو پھر ہلاک کر دیا ان کو۔ تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، اس وجہ سے ہم تمہارے فرمائشی معجزے تمہیں نہیں دکھاتے۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم اپنی نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کے لیے۔ کیا مطلب، ایسے واضح معجزے دکھانا شروع کر دیں تو پھر ان کے پیچھے خوف بھی ہے، کیا مطلب، پھر ہم تمہیں ڈرا دیں گے اس سے کہ اگر تم پھر بھی ایمان نہیں لائے تو تمہیں ہلاک کریں گے ہم۔ یعنی یہ خوف اور عذاب کی ایک علامت بھی ہوتی ہیں یہ معجزے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، پھر اللہ ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ دو معجزے، ایک تو دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ ایک معجزہ تو یہ کہ آپ کو ہم معراج پہ لے کے گئے، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ اس سے عبرت حاصل کریں، حالانکہ آپ نے مسجد اقصیٰ کی پوری علامات بتا دیں، قافلوں کا تذکرہ کیا، پوری ڈیٹیل آپ نے ان کو بتائی، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے معراج کا انکار کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، بھائی اللہ کو ان کے حالات معلوم ہیں، ان کے حالات اللہ کو معلوم ہے، اب دوبارہ بھی معجزہ دکھایا تو انہوں نے انکار کرنا ہے۔ تو اس سے ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غضب آئے اور اللہ ہلاک کر دے۔ اسی طرح وشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، قرآن میں ہم نے بتایا کہ ایک درخت ہے جہنم میں زقوم، تو انہوں نے کیسا مذاق اڑایا، حالانکہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ آگ میں درخت پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ درخت کی مثال اور معراج کی مثال، یہ واضح دلیل ہے کہ یہ لوگ جب معجزہ دیکھیں گے تو ایمان لانے کے بجائے مذاق اڑائیں گے۔ تو اسی لیے اس آیت کو شروع اللہ نے کیا، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اے نبی اس وقت کو یاد کریں، ہم نے تو آپ سے کہہ دیا تھا کہ اللہ کو ان لوگوں کا علم ہے۔ کیا علم ہے؟ اللہ کو ان کی ہر دھرمی کا علم ہے، یہ فرمائشی معجزے مانگیں گے اور اگر ہم نے دیے تو یہ نئی ایمان لے کر آئیں گے، اور یقین نہ آئے تو آپ معراج کا واقعہ اور زقوم کا واقعہ جو قرآن میں مذکور ہے اس سے آپ عبرت حاصل کریں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نصیحت کر رہے ہیں تسلی کے لیے کہ وما جعلنا الرؤیا التی اریناک، ہم نے نہیں دکھایا آپ کو وہ منظر جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ وہ بھی آزمائش کیا تھی کہ جو ماننے والے تھے مانیں گے اور نہیں ماننے والے وہ انکار کریں گے، تو وہ بھی کتنی بڑی آزمائش بنی، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو ایسے ہی اور بھی کوئی ہم معجزہ دکھائیں گے تو نئی ایمان لے کر آئیں گے۔ والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اسی طرح شجرہ ملعونہ کا جو قرآن میں تذکرہ ہے اس کا بھی یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو کیا مطلب، احاطہ بالناس، اللہ کو تو پہلے سے علم تھا جو ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ایسا ہوگا کہ یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، لہذا ان کے فرمائشی مطالبے جو ہے نا کہ ہمیں یہ معجزہ چاہیے اور پھر اس پہ اللہ وہ معجزے نہیں دکھاتا، تو اے نبی آپ غم نہ کیا کریں، یہ سب چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں، اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اس طرح نہیں دکھائے گا اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مرضی کے معجزے۔ تو یہ پوری ڈیٹیل یہ سمجھایا جا رہا ہے ان آیتوں میں۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو ڈراتے ہیں مختلف طریقے سے، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، لیکن یہ ڈرانا اضافہ نہیں کرتا مگر ان کی سرکشی میں بہت بڑی سرکشی۔ ہونا تو یہ چاہیے ڈرنے کے بعد کچھ خوف پیدا ہو، مگر خوف پیدا ہونے کے بجائے ان کے اندر بے فکری اور زیادہ بڑھ رہی ہے۔ تو ایسی لوگوں کو معجزے دکھانے سے فائدے کے بجائے نقصان کا خطرہ زیادہ ہے، نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے۔